सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी फॉर ड्रीम्स को, और स्टडी से रिलेटेड सबसे अच्छी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं उपदेश चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ड्रीम्स। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल में जो न्यू वैकेंसी आई हुई है, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मशीन की 1072 वैकेंसी है, उसी के बारे में यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। मैं आपको बता दूं कि हो सकता है नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपने इन्फॉर्मेशन पढ़ ली हो और काफी लोगों ने आपको बता भी दी होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं नोटिफिकेशन के बारे में बताने की शायद आपको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप खुद उस चीज को देख लेंगे समझ लेंगे तो कोई जरूरत भी नहीं है। लेकिन उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको जरूर पता होने चाहिए, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए, वही यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप किसी भी डिफेंस या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे इसी प्रकार की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहती है, सही और ऑथेंटिक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में बता दें। तो दोस्तों जैसा कि मैं बता चुका हूं, हम बात कर रहे हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मशीन 2019 में जो वैकेंसी आई हुई है 1072, उसी के बारे में यहां पे आपको कम्प्लीटली बताने वाला हूं। तो आप सभी को पता होगा कि इसकी वैकेंसी आ चुकी है, 14 मई से आप इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, ऑनलाइन आप आवेदन इसके लिए कर पाएंगे। ऑफलाइन आवेदन नहीं करना, आपको ऑनलाइन आवेदन ही करना है और आपको 12 जून 2019 तक आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं। देखिए आपको पता होगा 1072 वैकेंसी, लेकिन मैं आपको साथ में बता दूं 1072 वैकेंसी में से केवल 75% आपके लिए यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। 75% के लिए ऑल इंडिया में कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन 25% जो वैकेंसी होती है वो केवल डिपार्टमेंटल होती है, यानी डिपार्टमेंट का जो पर्सन होगा वही उसके लिए अप्लाई कर सकता है। वैकेंसी दोनों के लिए होंगे, मेल या फीमेल दोनों कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 75% में ही इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है। दूसरी बात ये, जो जनरल को रिजर्वेशन मिला हुआ है ईडब्ल्यूएस, वो भी इसमें एप्लीकेबल है और ईडब्ल्यूएस वालों को भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलने वाला है। अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आप ईडब्ल्यूएस में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए साथ में मैं बात बता देता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस एप्लीकेशन फॉर्म में, इस वैकेंसी में सबसे बड़ी बात एक ही है, इसका क्राइटेरिया। अगर आप इसके क्राइटेरिया के लिए एलिजिबल हैं, अगर आप इसका फॉर्म भर सकते हैं तो आपके लिए बहुत लक वाली बात है, क्योंकि इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो समझ लीजिए आप एक स्टेप पास कर चुके हैं, क्योंकि आप सभी को पता है मोस्टली जो फॉर्म होते हैं उसमें कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता, रेंडमली ऐसे ही होता है 10th pass या 12th pass, और उसके लिए बहुत सारे नंबर ऑफ एप्लीकेशन आते हैं और वहां पे कंपटीशन भी बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला, आप सभी को पता है इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है 10th के साथ ITI मांगी गई है, अगर 10th के साथ ITI नहीं है तो आपके पास 12th में PCM के साथ 60% होना चाहिए। ऐसे में 12th में PCM के साथ 60% में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि बाहर हो जाएंगे, अगर 60% है तो उनके पास PCM नहीं है, अगर PCM है तो उनके पास 60% नहीं है, तो ऐसे सभी कैंडिडेट पहले से ही कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं। तो ये मान लीजिए कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल है, इसका क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, अगर आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं तो इससे अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती, क्योंकि इसके खास रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि इसका फिजिकल, रिटन एग्जाम, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट वगैरह सब कुछ बढ़िया लेवल का होता है, यानी यहाँ पे जो ज्यादा चांसेस होते हैं वो होते हैं एक एवरेज कैंडिडेट के सेलेक्टेड होने का। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल भी अच्छा होना चाहिए, रिटन एग्जाम भी, डिस्क्रिप्टिव भी और सारी चीजें। तो मैं आपको बता दूं 4 phases में होती है, वैसे हम 3 phases कह सकते हैं, लेकिन 4 phases में आपको अलग अलग इसलिए बता रहा हूं क्योंकि डिस्क्रिप्टिव भी आपका अलग से होता है। तो डिस्क्रिप्टिव होता है उसके लिए भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात सिर्फ एक है कि हर एक चीज के लिए पहले से ही यहाँ पे डेट फिक्स कर दी गई है कि कब आपका फिजिकल होगा, कब आपका रिटन एग्जाम होगा, हर एक चीज के लिए सबसे पहले ही इसकी डेट अनाउंस कर दी गई है। तो देखिए सबसे पहला फेज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूं कि जॉब प्रोफाइल के बारे में भी बात करेंगे और कंप्लीटली मैं आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले इसकी जो चीजें वो हम समझ लेते हैं, फिर मैं आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में बताता हूँ। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था, फर्स्ट फेज में आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। जी हाँ, पहले आपका सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होना है, जो कि आपका 28 जुलाई 2019 को कंडक्ट करवा दिया जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है कि इतनी जल्दी आपका एग्जाम जो है कंडक्ट करवा दिया जाएगा, इसकी डेट पहले से ही आ गई है, तो आपको परेशान होने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि भाई इसका रिटन एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा, वेट करना पड़ता है, काफी ज्यादा सस्पेंस बना रहता है, तो वो सस्पेंस यहाँ पे खत्म हो गया है।
अब देखिए बात कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप आ जाता है पीएसटी और पीईटी। जी हाँ, यहाँ पे पीएसटी पीईटी दोनों ही होते हैं, यानी आपकी रनिंग हाई जंप लॉन्ग जंप वगैरह सब करवाया जाता है। मोस्टली आपको पता है अब ये पैटर्न ही खत्म हो गया है कि हाई जंप लॉन्ग जंप कहीं पे करवाई जाती हो, लेकिन हाई जंप लॉन्ग जंप इस वाले एग्जाम में आपकी करवाई जाएंगी। अब पीईटी पीएसटी की अगर मैं बात करूं तो आपका 9 अक्टूबर 2019 से आपका पीईटी पीएसटी स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ, हो सकता है 3-4 दिन में खत्म करवा लिया जाए, 5 दिन में, 6 दिन में, जितने कैंडिडेट होंगे वो तो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग आपके पीईटी और पीएसटी खत्म हो जाएंगे। अब देखिए मैं बात कर लेता हूँ कि पीईटी में आपका क्या क्या होना है। तो पीईटी की अगर देखिए, पीएसटी में तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी आपकी नाप तोल होती है, और पीईटी की बात करूं तो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, उसमें आपकी शारीरिक क्षमता को देखा जाता है। तो शारीरिक क्षमता में मैं आपके लिए बता दूं, सबसे पहले बात कर लेता हूँ पीएसटी, पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका क्या लिया जाएगा। हाइट की बात करूं जनरल कैंडिडेट के लिए 160 हाइट चाहिएगी, 168 168 सेंटीमीटर आपको हाइट चाहिएगी। वहीं बात करूं जनरल महिलाओं की, फीमेल की, तो 157 आपको हाइट चाहिएगी। और चेस्ट की बात कर लेता हूं ओनली फॉर मेल, तो उनके लिए जो आपकी चेस्ट चाहिएगी वो चाहिएगी 80 से 85, यानी 80 बिना फुलाए फुला के आपकी होनी चाहिए, 85 कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना जरूरी है। तो ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, और जितने वो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पे छूट दी गई है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अब देखिए बात कर लेता हूँ क्वालिफिकेशन, आपको मैं बता ही चुका हूँ। अब बात कर लेते हैं पीईटी की, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। तो इसके लिए आपको रनिंग करनी होगी, मेल के लिए मैं बता रहा हूँ 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की रनिंग करनी होगी 6 मिनट में। 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर की रनिंग 6 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी, काफी कम टाइम में अगर देखा जाए तो, क्योंकि डिफेंस में अगर देखा जाए तो आर्मी में सबसे जल्दी रनिंग मानी जाती है, लेकिन यहाँ पे आर्मी समझ लीजिए थोड़ा सा ही ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे भाई कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, और आर्मी वाले की जगह अगर यहाँ पे कंपैरिजन किया जाए तो बहुत ही डिफरेंट बात हो जाती है। तो भाई मेरे को लगता है दौड़ में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, अगर आप पहले से तैयारी नहीं करेंगे तो इसमें पीछे रह सकते हैं, इसलिए आपको फिजिकल पे भी यहाँ पे आपको फोकस बराबर करके चलना है। अब वहीं पे बात कर लेते हैं महिलाओं के लिए रनिंग की बात करूं तो 800 मीटर रनिंग लगानी होगी केवल 4 मिनट में, तो 4 मिनट में महिलाओं को रनिंग लगानी है 800 मीटर। अब बात कर लेते हैं आपकी लॉन्ग जंप की, लॉन्ग जंप आपकी आ जाती है तो 3.65 यानी 3.6565 मीटर आपको लॉन्ग जंप लगानी होगी मेल कैंडिडेट को। वहीं पे बात करूं महिलाओं के लिए तो महिलाओं को जो लॉन्ग जंप लगानी होगी वो लगानी होगी 9 फिट। जी हाँ, 9 फिट। अब बात कर लेते हैं हाई जंप की, तो हाई जंप के लिए जो मेल के लिए है, पुरुषों के लिए वो 1.2 मीटर हाई जंप लगानी होगी, और वहीं पे अगर मैं बात करूं महिलाओं की तो 3 फिट आपको हाई जंप लगानी होगी। तो ये आपका पीईटी होगा, पीईटी में भी काफी बढ़िया तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, हाई जंप लॉन्ग जंप रनिंग वगैरह कंप्लीट सब कुछ होने वाला है। तो देखिए एक बात ये है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अगर आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका फिजिकल भी अच्छा है तो बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हो सकती है। अब इससे अगले मैं फेज की बात कर लेता हूँ तो वो होता है आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो आपका होगा वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसके मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं। जब आपकी फाइनल मेरिट बनती है तो केवल रिटन एग्जाम के जो मार्क्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी फाइनल मेरिट तैयार होती है 200 मार्क्स में से। तो उसके बाद आ जाता है आपका पहले मैं डिस्क्रिप्टिव की डेट बता देता हूँ आपको, डिस्क्रिप्टिव की जो डेट होगी वो होगी 24 नवंबर। 24 नवंबर को आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट करवाया जाएगा। और बात कर लेते हैं लास्ट फेज की, लास्ट फेज आपका होगा मेडिकल। मेडिकल आपका 30 जनवरी 2019 को कंडक्ट करवा दिया जाएगा, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहीं पे हमारी एक चीज छूट गई और वो हम आपको अब बता देते हैं कि रिटन एग्जाम, रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। रिटन एग्जाम ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिटन एग्जाम का सिलेबस काफी अच्छा है और मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि फर्स्ट फेज है, अगर आप फर्स्ट फेज ही नहीं पार कर पाएंगे तो सेकंड फेज के लिए एंटर नहीं हो पाएंगे, तो इम्पोर्टेंट इसलिए ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस भाई बहुत ही तगड़ा है, काफी अच्छे लेवल का यहाँ पे सिलेबस आपके लिए तैयार किया गया है, क्योंकि पूरी पीसीएम आपको पूछ की जाएगी, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री सभी यहाँ पे आता है। अब देखिए सिलेबस में बात कर लूं, 4 सब्जेक्ट आएंगे पीसीएम, फिजिक्स मैथ एंड केमिस्ट्री और आपकी इंग्लिश, ये आपके सब्जेक्ट यहाँ पे आने वाले हैं। अब देखिए फिजिक्स की मैं बात कर लूं तो 40 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स मिलेंगे यानी 80 मार्क्स। वहीं पे बात आ जाती है मैथ की, मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे 40 मार्क्स। बात आ जाती है केमिस्ट्री की, 20 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे 40 मार्क्स।
इसी तरीके से इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में भी आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे और 2 मार्क्स मिलेंगे हर एक क्वेश्चन के, तो 40 मार्क्स आपके हो जाते हैं। इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं 100 और आपके जो टोटल मार्क्स हो जाते हैं वो हो जाते हैं 200। तो 200 में से ही आपको जो आपकी मेरिट लगेगी, फाइनल मेरिट आपका जो सिलेक्शन होगा वो 200 मार्क्स में से ही देख के आपका सिलेक्शन लिया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होना है। अब मैं इसके स्टैंडर्ड की बात करूं तो 10+2 के सीबीएसई स्टैंडर्ड का इसका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगा और इंग्लिश भी उसी लेवल की होगी, इसलिए आपको अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। हालांकि इसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाएगी, उसके बहुत सारे रीजन है, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा जब भी बहुत ज्यादा हार्ड एग्जाम होता है तो उसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाती, तो इसलिए आपको तैयारी करनी है अपनी धमाकेदार आराम से कि आप इस एग्जाम को पार कर जाए। अगर आप एवरेज हैं फिजिकल में, मेडिकल में, डिस्क्रिप्टिव में और फिजिकल रिटन एग्जाम सब में, तो डेफिनेटली आप यहां से जॉब निकाल सकते हैं, लेकिन आपको अपनी स्ट्रेटजी प्लान पहले से ही सबको सेट करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। अगर आपने उसी चीज को, सभी चीजों को फॉलो किया बाय गाइडेंस, तो आई एम श्योर डेफिनेटली आप यहां से जॉब निकाल लेंगे, क्योंकि भाई वही बंदा यहां से जॉब निकाल पाएगा जो डेफिनेटली सही तरीके से यहां पे तैयारी करेगा और अपनी पहले से स्ट्रेटजी पूरी तरीके से तैयार कर लेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है। और मोस्ट ऑफ जो इंपॉर्टेंट बात है वो है यहाँ का क्राइटेरिया, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, 10+2 में विद पीसीएम 60%, ये काफी बड़ी बात है भाई, हर किसी को नहीं मिलेगा। अगर आपको ये चांस मिल रहा है तो वेरी बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो ये हम जितनी भी नोटिफिकेशन से रिलेटेड और इससे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे उनके बारे में मैं यहाँ पे कंप्लीटली आपको बता चुका हूँ, और आपको तैयारी बहुत बेहतर तरीके से करनी है। आगे भी मैं आपको इसी तरीके से गाइडेंस करता रहूंगा, हर एक स्टेज पे आपको बताता रहूंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है। अब लास्ट में बात आ जाती है इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में, तो देखिए जॉब प्रोफाइल के बारे में मैं बता दूं, दो तरीके की वैकेंसी है यहाँ पे, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मशीन। जॉब प्रोफाइल के बारे में मुझे कैसे नॉलेज है ये भी डाउट हो सकता है आपके मन में, तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई हैं वो भी बीएसएफ में हैं, तो इसी वजह से मेरे को इसके बारे में जानकारी है, मैं भी वहां पर रहूं तो मेरे को अच्छे से पता है रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मशीन की पोस्ट होती क्या है और उनका वर्क क्या होता है, उनकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है। देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अगर आप हेड कॉन्स्टेबल के लिए डायरेक्ट पोस्ट लेते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छी बात तो ये होगी आप बहुत जल्दी प्रमोशन पा जाओगे, प्रमोशन पाके लगभग सब इंस्पेक्टर तक आप आराम से पहुंच जाओगे, वहां पर कोई दिक्कत नहीं होती और बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि फटाफट से आप सब इंस्पेक्टर वहां पे बन सकते हैं। लेकिन वहीं आप अगर कांस्टेबल से भर्ती होते तो आपको बहुत सारी साल लग जाती हैं हेड कांस्टेबल तक पहुंचने में, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है यहाँ पे। दूसरी बात आ जाती है वर्क की, कि हमारी वर्क प्रोफाइल क्या रहने वाली है, जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है, तो देखिए वो मैं आपको बता देता हूँ। बीएसएफ आप सभी को पता होगा, अगर आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इस फोर्स के बारे में जान लें कि अगर इसका वर्क कहाँ है और कहाँ पे ये वर्क करती है। मैं आपको बता दूं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर लाइन जो होती है वहां पे इनका काम होता है, मोस्टली ये सभी बॉर्डर लाइन पे ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि अंदर नहीं होते, अंदर भी इनकी यहाँ पे यूनिट होती है वहां पे भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो होते हैं इनकी ड्यूटीज बॉर्डर एरियाज में ही होती है। वहीं पे बॉर्डर एरियाज में जहां पे होती है, जहां पे पोस्टिंग की बनी होती है, वहां पे रेडियो ऑपरेटर रेडियो मशीन की भी पोस्टिंग साथ में होती है, क्योंकि आपको मैं बता दूं वायरलेस या रेडियो ऑपरेटर वाले जितने पर काम होते हैं भाई एक जनरल ड्यूटी वाला बंदा तो जानता नहीं है, इसीलिए इनकी पोस्टिंग भी वहां पे होती है साथ में, तो इनकी भी पोस्टिंग बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर एरियाज में लगी होती है साथ में, एक तरह से आप कह सकते हैं जनरल ड्यूटी की तरह इनकी बिल्कुल बकायदा सब कुछ ड्यूटी वगैरह सब कुछ प्रोसेस सेम होता है, बस फर्क ये होता है कि आप सीधे डायरेक्ट हेड कांस्टेबल से भर्ती होते हैं और आपका डिपार्टमेंट जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है, आपका रेडियो ऑपरेटर वाला डिपार्टमेंट होगा यानी टेक्निकल आपका डिपार्टमेंट होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि क्लैरिकल डिपार्टमेंट है तो ये बिल्कुल क्लैरिकल डिपार्टमेंट नहीं है, क्लैरिकल डिपार्टमेंट एक बिल्कुल डिफरेंट डिपार्टमेंट हो जाता है इससे, ये आपका सामान्य ड्यूटी यानी चीरी में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इन फ्यूचर भी यहाँ पे आपको ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप पर फॉलो कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां पे मैं कोशिश करूंगा इंस्टेंटली आपकी कोई भी क्वेरी कोई भी हो उसका रिप्लाई कर सकूं और जल्दी से जल्दी आपके सवालों के जवाब दे सकूं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।